हेलो फ्लर्नर्स, दिस इज निकिता। और एक सर्वे के हिसाब से 2011 से लेकर 2019 तक, यानी विद इन लेस देन अ डेकेड, इंडिया में अनमैरिड पॉपुलेशन 17.2 से बढ़कर 23% हो गई है। सो अपेरेंटली यस, इंडिया के यूथ को अब शादी करने में कोई खास इंटरेस्ट नहीं है। बट जब हमने इसको फर्दर बाइफरकेट किया तो हमें एक इंटरेस्टिंग ट्रेंड देखने को मिला। सो एनएसओ के डेटा के हिसाब से पिछले 10 साल में इंक्रीज इन प्रोपोजिशन ऑफ अनमैरिड मेन 20.8% से 26% हो गया था, कंपेयर टू ओनली 3% इंक्रीज इन प्रोपोजिशन ऑफ अनमैरिड वुमेन। बट इतना ह्यूज डिफरेंस इन दोनों भी जेंडर्स में क्यों है? सो जब हमने इसमें थोड़ा और रिसर्च किया तब हमें मालूम पड़ा कि 1970s से लेकर 2020 तक आदमियों में सुसाइड रेट 17,000 से बढ़कर 1,08,000 हो गया था। बट मोस्ट शॉकिंग डेटा ऑफ ऑल इज कि 2022 में जब मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस ने एक मेंटल हेल्थ हेल्पलाइन लॉन्च किया तो उसमें 70% कॉलर्स आदमी ही थे, एंड रीजंस यूजुअली वही होते थे, पैसे और फैमिली का स्ट्रेस। लेकिन अब यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि मेन जो सालों से ब्रेड विनर्स का रोल प्ले कर रहे हैं वो अचानक से शादी के इतने अगेंस्ट क्यों हो गए हैं? सो वेल, प्रॉब्लम का रूट कॉज हमारे सोशल या फिर लीगल सिस्टम में है, जैसे कि टू स्टार्ट विद स्ट्रिंजेंट नेचर ऑफ लॉज। सो रिसेंटली 2017 में बंगाल के एक एलिमनी केस में एक एक्स हस्बैंड की सैलरी 95,000 थी, बट उसको सुप्रीम कोर्ट ने 20,000 तो एज एलिमनी ही पे करने का ऑर्डर दे दिया। इनफैक्ट इस केस के बाद तो सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर ही पास कर दिया सेटिंग 25% ऑफ सैलरी एज अ मिनिमम जो एक एक्स हस्बैंड को देना होगा अपनी वाइफ को एज एलिमनी। मोर ओवर, अगर एलिमनी उसको एक लमसम अमाउंट में देनी है तो इट शुड बी अ मिनिमम ऑफ 1/5 to 1/3 ऑफ द हस्बैंड्स टोटल वर्थ, एंड ऑफ कोर्स दैट इज ह्यूज। बट एलिमनी तो फिर भी सिर्फ एक छोटा सा ही पार्ट है। द स्केरियस्ट ऑफ ऑल फॉर ऑल द मेन इज फॉल्स डाउरी केसेस, एंड एनसीआरपी के डेटा के हिसाब से डाउरी केसेस में भी एक 25% का हाइक आया है, वो भी सिर्फ पिछले 2 साल के अंदर ही, एंड जिन केसेस में से यूजुअली 10% केसेस ऑन एन एवरेज या तो फिर फॉल्स या फिर सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं। मतलब एटलीस्ट 10% केसेस में लड़के और उसकी फैमिली को फॉर नो रीजन एट ऑल सोसाइटल शेम एंड आईपीसी 498A के अंदर जेल भुगतनी भी पड़ती है। अब इसका सबसे क्लासिक एग्जांपल है 2003 का निशा डावरी केस। तो निशा ने अपने टू बी फियांसे मुनीश और उसकी पूरी फैमिली के अगेंस्ट डाउरी केस फाइल किया था इन 2003, जिसमें उसने लड़के की फैमिली से डिमांड किया था 12 लाख इन कैश विद ऑल्सो अ कार। And also, while the case was just in its trial period, Nisha literally became a woman icon of India. In fact, Nisha was celebrated so much कि 2004 में ही उसको Oprah Winfrey ने भी अपने talk show में बुला लिया था। But on the other hand, मुनीश जो कि एक जेल में डावरी मांगने की सजा काट रहा था, उसको बाकी इनमेट्स ने इतना assault किया कि he literally suffered very serious injuries. In fact, मुनीश की मदर जो कि एक स्कूल टीचर थी, उनको भी काम से निकाल दिया गया along with zero retirement benefits. But फिर फाइनली 9 साल बाद जब वर्डिक्ट आया तो पता चला कि निशा का केस एक्चुअली काफी बेसलेस था। कोर्ट को कोई लूजली सफिशिएंट डॉक्यूमेंट भी नहीं मिला इस क्लेम को सपोर्ट करने के लिए। सो यस, फाइनली 9 साल बाद एक झूठे केस पे मुनीश को फाइनली जस्टिस मिला, बट द डैमेज वॉज ऑलरेडी डन। एंड इसीलिए ऐसे ही केसेस की वजह से इंडियन मेन में एक फियर डेवलप हो गया है जो कि एक मेजर डिमोटिवेटिंग फैक्टर बन गया है प्रिवेंटिंग देम फ्रॉम मैरिंग। बट अगेन, इस पूरे इशू को अगर एक मैक्रो लेवल पे देखें तो सिर्फ मैन ही नहीं बट इंडियन वुमेन भी शादी करने से एब्सटेन कर रही है। एंड इसी के पीछे का रीजन हमारा रीजन नंबर 2 है, विच इज ऑल्टर सोशियो इकोनॉमिक नीड्स। आसान भाषा में बोलूँ तो अब लाइफस्टाइल चेंजेस को एकोमोडेट करना इतना इम्परेटिव हो गया है कि लोग फैमिली स्टार्ट करने में अभी इंटरेस्टेड ही नहीं है। प्लस एडजस्टिंग फैमिली विद अ जॉब इज अ डिफरेंट हेडेक। अब इसका एक मेन रीजन ये भी हो सकता है कि इंडिया का मेजॉरिटी वर्कफोर्स ऑलमोस्ट 59% इज नॉट वेरी हैप्पी एट देयर वर्क, एंड नाउ इसके भी मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं, बट द मोस्ट फंडामेंटल बीइंग कि 93% स्टूडेंट्स को सिर्फ 7 ही करियर ऑप्शंस पता होते हैं आउट ऑफ 250 अवेलेबल ऑप्शंस। बट देन एक बार एक करियर चुन लिया तो हम इंडियंस को ये लगता है कि स्विचिंग टू अ डिफरेंट करियर इज कम्प्लीटली इम्पॉसिबल, बट हियर इज वेयर री लेवल कम्स इनटू द पिक्चर। इसमें आप शुभम सागर का ही केस ले लो। पहले उन्होंने इंजीनियरिंग के बाद 1 साल की नौकरी करके जॉब छोड़ दिया और यूपीएससी देने का सोचा, बट देन मीनवाइल उन्होंने प्रो रेसलिंग नाम का एक मैगजीन स्टार्ट किया जिसके वजह से उनको रियलाइज हुआ कि उनका रियल पैशन तो यहीं पे है। एंड देन शुभम ने री लेवल का एसोसिएट प्रोडक्ट मैनेजमेंट का टेस्ट लिखा एंड सिर्फ 15 डेज के अंदर उनको प्रोडक्ट मैनेजमेंट का जॉब भी लग गया लॉजिक्विड्स में। सो अब तक 1300 से भी ज्यादा कैंडिडेट्स अपनी मन पसंदीदा जॉब इन HR, सेल्स, बिजनेस एनालिटिक्स ऐसे और 11 फील्ड्स में हासिल कर भी चुके हैं इन कंपनीज लाइक जियो, एयरटेल, टाटा, क्रेड, स्विगी एंड 800 प्लस कंपनीज, और अब तक रीलेवल 80 करोड़ वर्थ ऑफ जॉब्स दिला भी चुका है। सो सिंपल है, यू कैन डू, जस्ट लर्न द स्किल, गिव द टेस्ट एंड गेट योर ड्रीम जॉब। प्लस रीलेवल देता है 14 डेज का सेटिस्फेक्शन गारंटी, मतलब अगर आप एक कोर्स चुन भी लेते
लेते हो एंड बाद में से 14 डेज के अंदर अगर आपको ये लगता है कि मे बी यू आर नॉट फिट फॉर दिस कोर्स, देन यू विल गेट फुल रिफंड, नो क्वेश्चंस आस्क्ड। सो व्हाई आर यू वेटिंग, अभी ही चेकआउट करो रीलेवल बाय एकेडमी को, फिर चाहे आपको अपना जॉब चेंज करना हो या फिर एक फ्रेशर के जैसे अपना करियर को स्टार्ट करना हो। एंड नाउ लेट्स कम बैक टू द टॉपिक एंड अंडरस्टैंड कि क्यों सोशियो इकोनॉमिक चेंजेस की वजह से इंडियंस आर चूजिंग टू स्टे बैचलर्स। टू पुट दिस इन टू पर्सपेक्टिव, अगर हम पिछले 8-10 साल में अगर बेसिक सेक्टर्स के भी प्राइसेस को कंपेयर करें, सो जाहिर है तब और अब का कॉस्ट ऑफ लिविंग का डिफरेंस इजीली पता चल जाएगा। एंड इसी में द स्टार्ट्स आर माइंड बॉगलिंग, मतलब कि फॉर एग्जांपल बेसिक नेसेसिटीज जैसे कि हाउसिंग का प्राइस विद इन अ डेकेड 69% से बढ़ गया है। सिमिलरली ट्रांसपोर्टेशन, इलेक्ट्रिसिटी, पावर रेट्स, हर बेसिक कमोडिटी का प्राइस 50-70% ऑन एन एवरेज तो बढ़ा ही है। एंड ऑब्वियसली एक फैमिली को सस्टेन करने के लिए इन बेसिक नेसेसिटीज के अलावा भी कई सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि एजुकेशन, हेल्थ, ये सारी चीजें। एंड यू आर ऑल्सो प्रिपेयर टू बी शॉर्ट फर्दर बिकॉज एडियो फंड की फाइंडिंग्स के हिसाब से पिछले 10 साल में एजुकेशन कॉस्ट 10-12% बढ़ गया है। मतलब कि बेसिकली बच्चे को 12th तक पढ़ाने के लिए पेरेंट्स को 30 लाख तक खर्च करना पड़ता है सिर्फ 12th तक पढ़ाने के लिए। नाउ एड टू दिस द इन्फ्लेशन रेट ऑल्सो, सो लेट्स से पिछले 10 साल के अराउंड इन्फ्लेशन रेट ऑन एन एवरेज 6% पर बढ़ा है। एंड मीन वाइल इंडिया का GDP पर कैपिटा कॉन्स्टेंटली बढ़ते ही जा रहा है, रीचिंग फ्रॉम 6.45% इन अर्ली 90s टू 18.4% इन 2019। सो अब इस डेटा को अगर मैं विदाउट एक्सप्लेनिंग भी अगर आपके सामने रखूं तो भी आप इजीली समझ सकते हैं कि इंडियंस अच्छा खासा कमा रहे हैं। सो नाउ जाहिर है अगर इंडियंस की कमाई बढ़ गई है तो ऑब्वियसली सेविंग्स भी बढ़ेगा, राइट? बट दैट्स वेयर वी सी अ ड्रास्टिक कॉन्ट्रास्ट, क्योंकि 2012 से लेकर 2021 तक इंडियंस का सेविंग रेट 34.6% से गिरकर 28.2% हो गया है। सो कहीं ना कहीं हम इससे ये डिराइव कर सकते हैं कि परहैप्स इंडियन एक बेटर लाइफस्टाइल या फिर मटेरियलिज्म की तरफ ज्यादा इंक्लाइंड हो रहे हैं एज अपोज टू सेविंग एक्स्ट्रा ग्रांट्स फॉर फैमिली एंड चिल्ड्रन। नाउ इसके अलावा नॉट मैरिंग और एब्सेंटिंग फॉर मैरिज का रीजन नंबर 3 हो सकता है वेस्टर्नाइजेशन। सो एज वी नो 21st सेंचुरी की शुरुआत से ही वेस्टर्न इन्फ्लुएंस इंडिया में काफी तेजी से आने लगा था एंड आज तो विद टाइम वेस्टर्न आइडियाज जैसे कि हुकअप कल्चर, ओपन एंड लिव इन रिलेशनशिप एंड डिवोर्सेज भी इंडिया में काफी ज्यादा नॉर्मलाइज हो गए हैं। बट देन आई स्टिल फील कि वेस्टर्नाइजेशन एक बहुत ही ज्यादा एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट हो जाता है एंड उसको लॉजिकली स्टेटिस्टिकली कैलकुलेट करना एंड फिर उससे इंडिया पे क्या इफेक्ट्स हो रहे हैं उसको डिराइव करना थोड़ा सा मुश्किल है। सो टू बेटर अंडरस्टैंड दिस पॉइंट, हमने एक दूसरे कंट्री यानी कि यूएसए में मॉडर्नाइजेशन आने के बाद के जो पैटर्न्स होते हैं उसको इंडिया के साथ कंपेयर करके देखा एंड इंटरेस्टिंगली इसमें हम काफी सारे पैरेलल्स भी ड्रॉ कर पाए। बट नाउ बिफोर गोइंग फॉरवर्ड आई वुड जस्ट वांट टू क्लैरिफाई कि मेरा काम यहाँ पर किसी को भी मॉरल पुलिसिंग करना नहीं है, मेरा काम सिर्फ आपके सामने प्लेन स्टैट्स को प्लेस करना है नो मैटर हाउ स्वीट और सार दे आर। सो अर्ली 20th सेंचुरी में यूएस सोसाइटी कुछ हद तक बैकवर्ड थी, मतलब कि बेसिकली वॉर्स और इकोनॉमिक क्राइसिस के चलते लोग जनरली इनवर्ड लुकिंग और ट्रेडिशनल भी थे। बट 1970s में मॉडर्न सिनेमा की वजह से अमेरिकन कल्चर में काफी ओपननेस आ गई, इन जनरल ओपननेस टुवर्ड्स मैरिज एंड कैजुअल सेक्स। बट इंटरेस्टिंगली इसी दौर में यहाँ के अगर पैटर्न्स को आप स्टडी करोगे तो वहाँ के मैरिजेस ड्रास्टिकली डिक्लाइन होने लग गए। इन फैक्ट 1980s में तो अमेरिका का डिवोर्स रेट पीक पर पहुंच गया था। नाउ इतने मेजर कल्चरल शिफ्ट का असर ऑब्वियसली बाकी चीजों में भी पड़ा, जिसमें से सबसे पहले आता है साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट्स। नीडलेस टू से अकेले रहने का इम्पैक्ट मेंटल हेल्थ पे सबसे ज्यादा पड़ता है, विच इज वाई दुनिया की 5th मोस्ट सिंगल जनता वाली कंट्री US इज ऑल्सो अमंग्स द मोस्ट डिप्रेस्ड कंट्रीज इन द वर्ल्ड। इन फैक्ट गार्शिया की रिसर्च टीम की स्टडी के हिसाब से हुकअप्स एंड उससे एसोसिएटेड फीलिंग्स ऑफ शेम, गिल्ट एंड लो सेल्फ एस्टीम यंगस्टर्स का मेंटल पीस काफी ज्यादा डिस्ट्रॉय कर रहा है। नाउ टू एड टू इट, जॉन हॉकिंग्स मेडिकल इंस्टीट्यूट के एस्टिमेट्स के अकॉर्डिंग 4 में से 1 अमेरिकन एडल्ट को कोई ना कोई मेंटल डिसऑर्डर जरूर है, विद सुसाइड बीइंग द लीडिंग कॉज ऑफ डेथ इन 15-24 ईयर्स ओल्ड। सो क्लियर है कि इसके पूरी कंट्री के इमोशनल हेल्थ और मेंटल हेल्थ पे काफी ज्यादा फर्क पड़ रहा है। अब इसके अलावा अगर एक कंट्री के यूथ मैरिज से एब्सटेन करते हैं तो ऑब्वियसली उससे बाकी भी काफी सारे इम्पैक्ट्स पड़ते हैं, जैसे कि फर्टिलिटी रेट कम हो जाता है, इकोनॉमिक ग्रोथ उस कंट्री का भी काफी ज्यादा इफेक्ट हो जाता है। लेकिन इन सारी चीजों को हमने डिटेल में एक वीडियो में ऑलरेडी कवर कर लिया है और अगर आपको वीडियो देखना है तो आप ऊपर आई बटन में क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हो। बट चलो ना, बहुत बात हो गई नेगेटिव इम्पैक्ट्स ऑफ वॉलंटरी बैचलरहुड की, अब बात करते हैं पॉजिटिव इम्पैक्ट्स की। क्वाइट सरप्राइजिंगली काफी सारे सर्वेज हुए हैं जिनके स्टडी करके हमें ये पता चलता है कि शायद शादी ना करना एक स्मार्ट मूव है कंट्री के लिए। सो सबसे पहले तो रिपोर्ट शो दैट अनमैरिड लोग ज्यादा टाइम स्पेंड कर पाते हैं ऑन देयर लाइफस्टाइल यानी कि वो एक्सरसाइज रूटीन वगैरह पे, जिसकी वजह से अनमैरिड लोग जनरली
ज्यादा फिट और हेल्दी होते हैं। इतना ही नहीं, जर्नल ऑफ मैरिज एंड फैमिली में पब्लिश रिसर्च के अनुसार सिंगल मैन आर लेस लाइकली टू सफर कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस, यानी कि डिजीजेस जैसे कि हार्ट अटैक वगैरह, एज कम्पेयर टू देयर मैरिड काउंटरपार्ट्स। बट दिस इज ऑल्सो नॉट इट। यूएस में हुए एक सर्वे में ये तक लिखा है कि सिंगल पीपल ज्यादा सेक्सुअली सैटिस्फाइड होते हैं बिकॉज दे हैव सेक्स मोर ऑफ्टन देन देयर मैरिड काउंटरपार्ट्स। एंड नाउ लास्ट बट बाय नो मीन्स द लीस्ट, करियर ग्रोथ एंड इंडिपेंडेंस। स्टडीज के अनुसार सिंगल मैन कंपैरेटिवली ज्यादा फोकस्ड रहते हैं, विच इज मच टू डू विद देयर इंडिपेंडेंस। अब ये वाला जो पॉइंट है ये और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है इन केस ऑफ वुमेन, क्योंकि वुमेन सिंगल होने की वजह से अपनी बॉडी और अपने डिसीजंस पर और भी ज्यादा अथॉरिटी एक्सरसाइज कर पाती है, जो बेसिकली डायरेक्टली कॉन्ट्रीब्यूट करता है उनकी प्रोडक्टिविटी और वेलफेयर को। सो नाउ चलो दोनों नेगेटिव्स और पॉजिटिव इम्पैक्ट्स जान लिए। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है कि क्या इंडिया धीरे धीरे यूएस बनता जा रहा है। मतलब कि पैटर्न्स तो ये दिखाते हैं कि जैसे यूएसए में वेस्टर्नाइजेशन आने के बाद एक पैटर्न दिखने लगा, वैसे ही मे बी आज इंडिया में भी दिख रहा है। मतलब कि हो सकता है कि यूएसए जो फेस को पास कर चुका है, अब इंडिया वो फेस को एंटर कर रहा है। लेकिन क्या हर इकोसिस्टम में वेस्टर्नाइजेशन का एक डिफाइंड आउटकम तय है? यानी कि इस केस में वेस्टर्नाइजेशन के वजह से जो लोग शादियों से दूर जा रहे हैं, क्या वो उसका आउटकम हर केस में तय है? सो वेरी इंटरेस्टिंगली हमें अभी यूएसए में डिवोर्स को लेकर अभी फिलहाल एक रिवर्स वेव देखने को मिल रहा है, क्योंकि बेसिकली जो राइज ऑफ डिवोर्स हमने यूएस में वेस्टर्नाइजेशन के ऑनसेट पर देखा था, वो एक्चुअली अभी 21st सेंचुरी आते आते रिवर्स होने लग गया है। और आज सिचुएशन इतनी तक आ चुकी है कि 2019 में यूएस ने लोएस्ट एवर डिवोर्स रेट रिकॉर्ड किया था, विच इज 14.9 डिवोर्सेस पर 1000 मैरिजेस। इनफैक्ट एक्सपर्ट्स के अनुसार यूएस में भले ही शादियां अब कम हो रही हो, पर इसका मतलब ये नहीं है कि लोग फैमिली सिस्टम से बाहर निकल रहे हैं। वेल अकॉर्डिंग टू प्यू रिसर्च सेंटर, यूएस में कोहैबिटेशन मतलब कि लिव इन रिलेशनशिप्स का जो रेट है वो कॉन्स्टेंटली बढ़ता जा रहा है, और ज्यादातर कपल्स अब आज की तारीख में आउटसाइड मैरिजेस जाकर अपनी फैमिली को बिल्ड करना प्रेफर कर रहे हैं। बट दिस ऑल्सो मीन्स कि दे आर गोइंग बैक टू फ्रॉम वेयर दे स्टार्टेड। मतलब बेसिकली अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट्स, उनका फेथ इन कंपेनियनशिप एंड लव टाइम के साथ अभी रिस्टोर हो रहा है। सो इन कंक्लूजन ऐसा हो सकता है कि ये जो राइज इन ट्रेंड ऑफ एब्सटेनिंग फ्रॉम मैरिजेस है, ये भी एक फेज हो सकता है हमारा, एंड विद टाइम इंडिया भी इससे बाहर आएगा जैसे यूएसए अभी आ रहा है अपने रूट से वापस से कनेक्ट करके। वेल ये जो लास्ट वाला कंक्लूजन है ये कम्प्लीटली हमारा खुद का पर्सनल ओपिनियन है। आई फील कि ऐसा कुछ हो सकता है, बट इसके बारे में आपका क्या कहना है? क्या आपको लगता है कि आगे जाके ये जो शादियों में डिप हमें ऑब्जर्व हो रहा है वो जाके वापस से राइज करेगा जब इंडिया अपने रूट से कनेक्ट वापस से करेगा? क्योंकि अगर आज भी हम देखें तो इंडिया कई सारे दूसरे एरियाज में वापस से अपने रूट्स को कनेक्ट कर रहा है। मतलब बेसिकली बॉयकॉट बॉलीवुड कल्चर, राइज ऑफ आयुर्वेदा, बॉयकॉट चाइनीज प्रोडक्ट्स, ये सारी चीजें हमें हमारे रूट से ही तो कनेक्ट कर रही है। सो क्या इन सब के साथ हमें मैरिजेस में भी शिफ्ट देखने को मिल सकता है? इस पे आपका क्या ओपिनियन है? वेल आपके जो भी ओपिनियन है प्लीज मेरे साथ कमेंट सेक्शन में शेयर करना, वी वुड लव टू नो। एंड ऑनेस्टली आई डाउट कि इस टॉपिक पे किसी ने कभी सोचा भी होगा या फिर किसी को इतना इन्फॉर्मेशन भी होगा, तो प्लीज अगर आप चाहते हो कि और लोगों को इसके बारे में मालूम पड़े तो इस वीडियो को जितना हो सके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करो। ऑल्सो फ्लर्नर्स, जाने से पहले डोंट फॉरगेट टू चेक आउट रीलेवल एंड गिव योर करियर अ ट्रांसफॉर्मेशन और स्टार्ट फ्रेश विद अ वेल डिजर्व्ड पैकेज, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। अगर आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया तो उसे एक लाइक कर दो, और ऐसे ही और एजुकेशनल वीडियोस देखते रहने के लिए मेरे चैनल गेट सेट अप को सब्सक्राइब कर दो विद बेल आइकन ऑन, वरना फॉर की नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन को मिस कर दोगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। जय हिंद।